हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरह से अपने ईमो नंबर को हाइड कर सकते हैं, किसी से भी छुपा सकते हैं। काफ़ी लोगों का फरमाइश आ गया कि भाई हम अपने नंबर को किस तरह से हाइड कर सकते हैं, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ किस तरह से आप इस काम को अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद दो फीचर और बताने वाला हूँ, जैसा कि अपने यूज़र नेम को भी हाइड कर सकते हैं या अपने ईमो आईडी को भी हाइड कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर शो नहीं होता है तो। काफ़ी लोग ऐसा होता है कि आपके ईमो आईडी से आपको निकाल लेते हैं, आपसे कनेक्ट हो जाते हैं या यूज़र नेम से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको हाइड करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने ईमो को सिक्योर करना चाहते हैं, किसी ऐरे गैरे से छुपाना चाहते हैं, तो इस सेटिंग को लाजमी ऑन करना है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा किस तरह से इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। मैं आ चुका हूँ मोबाइल डिस्प्ले पर, तो सबसे पहले आप अपने ईमो को ओपन करें। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से ये सेटिंग काम करता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसके नेम पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर भी शो नहीं होता है, यूज़र नेम भी शो नहीं होता है, सिर्फ ईमो आईडी शो होता है। तो आप ऐसे चीज़ों को डायरेक्ट हाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक आदमी का और भी चेक करके किस तरह से वहाँ पे उसका नाम नंबर शो होता है। उसके बाद इस भाई साहब का ईमो ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, इसने सेटिंग करके रखा है या नहीं रखा है, इसका सारा डिटेल्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे इसके नेम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूज़र नेम भी नज़र आ रहा है, इसका ईमो आईडी भी नज़र आ रहा है, उसके बाद इसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस सेटिंग को लाजमी आप ऑफ करके रखें, नहीं तो कोई भी इंसान आपका सारा डिटेल्स आपके प्रोफाइल से निकाल कर किसी को भी दे सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस सेटिंग को किस तरह से ऑफ किया जाता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने ईमेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोफाइल का, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीड रिसिप्ट का, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन है, यानी आप ऑनलाइन आते हैं नहीं आते हैं, मैसेज भी शो कर लेंगे देख लेंगे उसको शो नहीं होगा इस तरह से। तो यहाँ पे एक काम करना है, नोबडी पे क्लिक कर देना है, एवरीवन पे यहाँ पे क्लिक है, तो यहाँ पे लास्ट में नोबडी पे क्लिक करें, उसके बाद वापस आ जाए। उसके बाद दो सेटिंग और करना बाकी है, उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन सी माई अवतार, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट अपने माई कॉन्टेक्ट्स पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हु कैन सी माई ईमो आई डी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एवरी वन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नोबडी पे क्लिक कर दें। नोबडी पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन सी माई रिज्यूम, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एवरी वन है, तो यहाँ पे ओनली माई सेल्फ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस आ जाएंगे, तो जो आपका सारा डिटेल्स था वो ख़त्म हो चुका है, कोई भी अब देख नहीं सकता है। लेकिन जिसके पास आपका नंबर होगा पहले से, उसने अपने मोबाइल में सेव करके रखा होगा, तो फिर वो इंसान आपका ईमो नंबर देख सकता है। लेकिन अगर उसने सेव करके नहीं रखा है तो अब उसको नहीं दिखाई देगा। ये चीज़ आप ध्यान करके रखें और आसानी से इस काम को अंजाम दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।